मरकजी मुमलकत दाखिला किशन रेड्डी के मुताबिक अगर जीएचएमसी इंतखाबात फरवरी 2021 में होते तो बीजेपी से बड़ी जीत दर्ज करती। उन्होंने जीएचएमसी इंतखाबात में पार्टी की शानदार कारकर्दगी का सहरा मरकजी क्यादत के साथ साथ रियासती क्यादत और पार्टी कारकुनों के सर बांधा। है वो आपके एक्सपेक्टेड लाइन पे है या आपको लग रहा है कि ये जो है कुछ कमी रह गई? क्या नहीं नहीं, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और हुए तो और अच्छा रहता था, क्योंकि इलेक्शन चुनाव 15 फरवरी में होना था मगर 2 महीने प्रीपोन करके इलेक्शन लगाए, और जितनी पब्लिसिटी में जितनी टीआरएस पार्टी करोड़ों रुपये खर्च किया है और पुलिस इलेक्शन कमीशन फेयर तरीके से काम नहीं किया, बराबर हम आपके सामने जनता के सामने पिटिशंस भी लगाए, फिर भी हमारा 4 सीट था, अभी हम 50 सीट तक पहुंच गए। टीआरएस पार्टी वो 99 सीट से वो 54 सीट तक कम हो गया, मजलिस पार्टी का भी कम हो गया, हमारा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो एग्जिट पोल का सर्वे हो। पूरा चुनाव ओवैसी के और एमआईएम पे आपने अटैक किया, लेकिन ओवैसी के घर में आप सेंध नहीं लगा पाए, टीआरएस को डेंट किया? नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ ओवैसी को टारगेट नहीं किया है, हम सरकार के खिलाफ बाप बेटे के सरकार के खिलाफ फैमिली सरकार के खिलाफ हम इश्यू लगाए थे, अलग अलग इश्यू उठाए, सिर्फ मजलिस पार्टी हमारा टारगेट नहीं था, मजलिस पार्टी जरूर हमारा टारगेट है मगर सिर्फ मजलिस पार्टी नहीं है, मजलिस पार्टी टीआरएस पार्टी मिलजुल के इलेक्शन चुनाव लड़े हैं इसलिए उनके खिलाफ हम बोलना पड़ा है।